डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आपने टाइटल में देखा ही होगा कि आपका जन्मदिन कैसे मनाएंगे और कहाँ मनाएंगे, हाउ एंड व्हेन टू सेलिब्रेट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका जन्मदिन कब है, कब इसको मनाना चाहिए। तो आइए चलिए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं कि जन्मदिन कब मनाना चाहिए। अब देखिए, पूरे विश्व में जिनकी जो जन्म तारीख होती है उसी दिन ज़्यादातर लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि वो एक सरलता है जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितने साल पूर्ण हुए और हम कितने बड़े हुए। ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो तो हमारी तारीख की सुविधाओं के लिए बनाया गया है कि तारीख को निश्चय किया जाए, निश्चित किया जाए। उस वजह से जैसे कि मेरी जन्म तारीख है 16 मार्च, सो इस दिन मुझे लगता है कि मेरा जन्मदिन हुआ और एक साल पूर्ण हुआ। अब मैं इतने साल का हुआ, आगे इतने साल। पर क्या इससे कोई काल गणना में फर्क होता है? क्या इससे और कोई चीज़ों में परिवर्तन होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये क्रिश्चियन पद्धति की काल गणना है जिससे कोई ग्रहों में या शास्त्रों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। सो हमारे लिए ये एक महज हमारी कायदे की आयु को प्रूव करने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए ये एक डेट होती है, जो हालांकि हमारे पासपोर्ट में और बाकी सारे डॉक्यूमेंट में होती है। पर इससे ज्योतिष शास्त्र को या वैदिक ज्योतिष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जानते हैं कि वैदिक हिसाब से किस दिन पे आपका जन्मदिन होता है। सो इसके लिए आपको दिया गया है तिथि। आप सभी ने मेरा तिथि का वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए कि तिथि क्या होती है। तिथि का मतलब होता है सूर्य से चंद्रमा का फर्क। जब सूर्य से चंद्र 12-12 अंश आगे जा चलता रहता है तो एक एक तिथि का भाग होता है। हम सभी को पता है कि सूर्य एक मास में एक ही राशि बदलता है, पर चंद्रमा उसी मास में 12 की 12 राशियां घूम के आ जाता है। सो सूर्य से चंद्र का कितना आगे चलना हुआ उसके हर एक 12 भाग को हम तिथि कहते हैं। 360 डिग्री है और हमारे पास 12 डिग्री है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 30 तिथियां बनती हैं, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष की। ये आप तिथि के वीडियो में देख सकते हैं। सो तिथि का मतलब होता है सूर्य से चंद्र का अंतर। अगर हम उसको वैदिक पद्धति से देखें तो हमारे आत्मा से हमारा मन का जो एक अंतर है वो दिखाता है। सो उस समय हमारे आत्मा में और हमारे मन मस्तिष्क में क्या परिवर्तन चल रहा था वो रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, ये तिथि जो है उसमें मूल भाग चंद्र का है, हमारी पूरी वैदिक सिस्टम चंद्र के आधारित है, हमारा पूर्ण पंचांग चंद्र के आधारित है। सो यह तिथि एक बहुत श्रेष्ठ समय होगा जिस समय पे आप अपना जन्मदिन मनाएं। सो आप अपना जन्मदिन अपने महीने में, हिंदू महीने के हिसाब से, आप सभी के जन्म कुंडली में आपका हिंदू का महीना लिखा होगा और तिथि भी लिखी होगी। सो हिंदू के महीने के हिसाब से, तिथि के हिसाब से आप अपना जन्मदिन मनाएं और उस दिन आप अपने अच्छे कार्य को कर सकते हैं। दूसरा होता है, उससे भी सूक्ष्म होता है, वो होता है नक्षत्र। जिस दिन आपका नक्षत्र हो, आप जिस नक्षत्र में जन्मे हैं उस नक्षत्र आपके जन्मदिन के आसपास जब भी आए, वो महीने में जब भी कभी आए, वो आपका बराबर का जन्मदिन है। अब क्या होता है, तिथि के हिसाब से क्षय वृद्धि तिथि आ जाती है, कभी अधिक महीना आ जाता है तो आपका एक महीने आगे या पीछे चला जाता है जन्मदिन, पर नक्षत्र के हिसाब से बराबर होता है, क्योंकि नक्षत्र का जो एक समूह है वो बराबर 360 दिन में पूर्ण हो जाता है और उस हिसाब से आपका नक्षत्र बराबर उसी दिन आता है जिस दिन आपका जन्मदिन होता है। सो आपका जन्मदिन, जैसे मैंने कहा मेरा 16 मार्च है, उसके आजू बाजू जब मेरा जन्म नक्षत्र आएगा उस दिन मैं अपना मनाऊंगा। आप देखिए, ज़्यादातर आप कोई भी मंदिरों में जाएंगे तो आपसे जब पूजा कराते हैं, संकल्प कराते हैं, तो आपका नाम, जन्मतिथि और नक्षत्र जरूर पूछते, गोत्र भी पूछते। तो जन्म नक्षत्र का ये बहुत महत्व है कि कौन से नक्षत्र में आप जन्मे हैं, उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था, तो वो आपका जन्मदिन है। सो आप नक्षत्र से भी जन्मदिन मना सकते हैं, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कैलकुलेशन के लिए एकदम ही परफेक्ट होता है। उसके बाद और एक पद्धति है, चौथी पद्धति जो है वो सोलार रिटर्न या वर्ष कुंडली कहते हैं। अब वर्ष कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका वर्ष इस साल से
अगले साल एक दिन 6 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड के बाद आता है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही समय सूर्य को अपने धरी पे, अपने एक्सिस पे घूमने को लगता है। सो सूर्य हर साल अपने पृथ्वी का घूमने के बाद 6 घंटा 9 मिनट और 11 सेकंड के बाद आता है। इसलिए आप अपनी जन्म तारीख में वार में एक वार मतलब एक दिन, जैसे बुधवार गुरुवार ऐसा होता है, एक दिन 6 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड, ये जब जोड़ते हैं तो बराबर से आपका अगला साल शुरू होता है। और वो अगला साल आप देखेंगे तो आपका सूर्य जो राशि अंश कला में होगा वही राशि अंश कला पे आ जाता है, जिसे हम वर्ष कुंडली कहते हैं या वर्ष प्रवेश कुंडली कहते हैं। ये वर्ष प्रवेश भी बहुत अच्छा उत्तम होता है, इसके लिए मैंने वीडियो भी किया है वर्ष कुंडली और मुंथा। सो मुंथा या वर्षेश होता है जो आपका वर्ष का ईश होता है। मुंथा जिस हिसाब से बैठता है आपकी कुंडली में, वर्ष कुंडली में, उस हिसाब से पूर्ण वर्ष जाता है। जन्म कुंडली में जो महत्व लग्नेश का है वो वर्ष कुंडली में मुंथा का है। सो वो भी आप मुंथा का वीडियो देखिए मेरा, उसमें भी मैंने बताया है कि ये मुंथा किस तरह से वर्ष में काम करती है। सो यह भी एक आपका है कि आपके जन्मदिन में एक दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड जोड़ने पे भी आपका वर्ष आता है, जिसको हम वर्ष कुंडली कहते हैं। अब ये तो अलग अलग पद्धति हो गई कि आपको किस दिन मनाना है, अब कैसे मनाना है, कब मनाना है वो हमने देख लिया। ज़्यादातर तिथि से मनाइए, नक्षत्र से मनाइए या वर्ष कुंडली से मनाए। इसके बाद सुबह सुबह आपको करना है नहा धो के आप स्वच्छ होके पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उसके ही द्वारा आप इस पृथ्वी पे आए हैं, इस विश्व में आपका प्रवेश उन्होंने कराया है। सो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, चाहे वो जीवित है या नहीं है, आप उनका आशीर्वाद सबसे पहले लें। उसके बाद जो भी आपके आसपास में मंदिर है वो मंदिर में जाए, अपने कुल देवता का ध्यान करें, या कुल देवता का मंदिर अगर है आपके ग्राम देवता का है सो वहाँ पे जाके पूजा करें, वो भी आपके लिए एक है, जिससे कि आपको उसका बल मिलता है। क्योंकि जो देवता होते हैं वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और कुल देवता जो हमारे कुल से, कुल की परंपरा से हमें जो रक्षा करते वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होते, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर सूर्य और चंद्र का लीजिए, देखिए ये ज़्यादातर लोग नहीं मानते, सो सूर्य का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि अगर आपका दिन में जन्म है तो आपके लिए सूर्य महत्व का है, सूर्य का दर्शन कीजिए। रात्रि को जन्म हुआ था आपका तो चंद्र का दर्शन कीजिए, ये दोनों आपके समय के मालिक है। दिन में जो दिनमान होता है सूर्य बलवान होता है, और रात्रिमान में चंद्र बलवान होता है, उसका दर्शन करिए, नहीं तो दोनों का भी करिए, आपको दोनों की आवश्यकता है। सो ये हुआ दर्शन का, आशीर्वाद का। अब आप भगवान को क्या देंगे, प्रसाद क्या देंगे? अब देखिए क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो तो केक काटते हैं, ये हमारी परंपरा तो है नहीं। आजकल तो लोग अगले दिन रात को 12 बजे जब अपनी तिथि हो जाती है, अपनी तारीख लग जाती है, तो लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो कि हमारे वैदिक सिद्धांत के हिसाब से सही नहीं है। हमारा दिन सूर्योदय से ही होता है, जिस दिन सूर्योदय होता है उसी दिन से हमारा दिन शुरुआत होता है, और हम वैदिक संस्कृति में मानने वाले सूर्य से हमारा दिन शुरू करते हैं, ना कि रात के अंधकार में। सो सूर्योदय से हम चालू करते हैं, उस दिन का नक्षत्र, उस दिन की चीज़ों को देखते हैं। अब आपको भगवान को वो चीज़ें अर्पण करनी है जो प्रसाद के रूप में आपको 7 ग्रहों का बल देती है, जो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से जो हमारी केक है, ना कि वो पश्चिमी केक जो सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों से बनती है। तो हमारी चीज़ें बनती है। आप देखिए ज़्यादातर जब जन्मदिन हुआ करता था पहले के समय में, तो लोग बोलते थे शीरा पूरी खिलाओ। ये शीरा जो हम रवा का शीरा बनाते हैं, इसमें आपके सारे 7 ग्रह, क्योंकि राहु केतु का हम बल नहीं लेते, 7 के 7 ग्रहों का बल मिलता है। अब रवा जिसे सूजी कहते हैं, वो रवा है, वो गेहूं का प्रकार है जिसमें सूर्य का बल होता है। दूध हम उसमें डालते हैं, ये चंद्रमा का, दूध या पानी डालते हैं, ये चंद्रमा का प्रभाव हो गया। उसको धीमी आंच में पकाते हैं, वो मंगल हो जाता है, अग्नि। इसमें हम पिस्ता डालते हैं जरूर, वो बुध का प्रतीक है। उसमें हम शक्कर या गुड़ डालते हैं जो गुरु का प्रतीक है। उसमें हम घी जरूर डालते हैं, ये बटर की चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल घी डालते हैं, शुद्ध घी, ये शुक्र का है। और बादाम डालते हैं जो शनि का प्रतीक है। इस तरह से 7 ग्रहों को मिला के
हम भगवान को भोग धरते हैं और उसी भोग को हम फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और आपस में लोगों को बांटते हैं। हम सत्यनारायण की कथा करके भी शीरा बनाते हैं, उसमें भी ये जो सातों सात ग्रह उसका बल होता ही है, वही आपको अपने जन्मदिन पे करना है और जितना हो सके उतना लोगों में बांटे, उतना आपका भी ग्रह बलवान होगा और आपने जितना प्रसाद बांटा है उससे आपको और ज़्यादा बल मिलेगा। या प्रसाद की बात हो गई जो भगवान को लगाए, भोग लगाए। इसके बाद होता है तुलादान। तुलादान जरूर करें। तुलादान करने से आपके शरीर का जो कोई भी बोझ होता है वो निकल जाता है। आपने पढ़ा होगा कहानियों में कि राजा बीमार हुआ तो उसने अपने वजन की सोना मोहर या चीज़ों को लोगों में बांट दी, ये तुलादान होता है। सो तुलादान से आप अपने शरीर की जो कुछ भी तकलीफ है उसको बाहर निकाल देते। चावल का करें, चावल या शक्कर का कर सकते हैं, पर चावल का करें क्योंकि उसको अक्षत कहा गया है, जो शरीर को अक्षत रखता है, स्ट्रांग रखता है, अंदर से मजबूत बनाता है। और चावल इतने पानी पी के बनता है तो वो एकदम ही अखंड रहता है, तो आपका शरीर भी अखंड रहित अखंड रहे इसके लिए चावल का दान करें। अगर आप एक ही साल में कर लेते, मतलब एक ही बार में कर लेते तो है, जैसे आपका 72 किलो है तो या हर महीने जब वो तिथि आती है या नक्षत्र आता है तब आप 6-6 किलो दे सकते, या एक ही बार में जन्मदिन पे आप 72 किलो एक साथ दे सकते। तो ये तुलादान जरूर करें, चाहे चावल का करें या शक्कर का करें, दोनों अच्छा होता है। खास करके हर साल तो करना ही चाहिए, नहीं करते तो 25, 50 और 75 के साल पे जरूर करना है। फिर आता है 60 साल। ये जो 60 साल होता है तब हम षष्ठी पूर्ति करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपने, क्योंकि हम विंशोत्तरी दशा को मानते हैं तो आधा समय पसार किया। लोग तो 50 साल में ही अपने आप को आधा मानते हैं, अब तो 40 में भी आधा मानते हैं। सो 60 साल में षष्ठी पूर्ति का आयोजन करना चाहिए, लोगों को दान पुण्य और भोजन कराना चाहिए और उसकी विधि है वो विधि विधान से आपको करना है। षष्ठी पूर्ति भी मनानी है और उसके बाद होता है जो आपका 50 के बाद का, जब आप 50 साल के हो जाए। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, शायद ये चीज़ें आपने कहीं नहीं सुनी होगी या जानते हुए भी नहीं करते होंगे, वो है 50 साल। जब आप 50 साल के हो जाते, ये जब 51 के साल में आपका प्रवेश होता है तो उसको वन प्रस्थान कहते हैं। वन प्रस्थान का मतलब होता है अब त्याग करने का समय, अब जंगल की ओर जाने का, साधना करने का समय चालू हो गया। सो यह त्याग के वर्ष होते हैं, इसलिए 51, 52, 53, 54 सब में पीछे वन आता है। यह आपको बार बार याद कराता है कि अब भौतिक चीज़ों से मोह छोड़िए और आगे आध्यात्मिक में बढ़िए। इसके लिए हर साल आपको एक चीज जो आपकी सबसे पसंदीदा है उसको छोड़ना है। बहुतों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, कोई मिठाई अच्छी लगती है, लड्डू अच्छा लगता है, बर्फी अच्छा लगती है, जो भी अच्छी चीज़ें, हर साल वो एक चीज़ का त्याग जरूर करना है। सो हर बर्थडे पे, हर अपने जन्मदिन पे, 50 के बाद 51, 52, 53 में कोई एक एक चीज़ का जरूर त्याग करें, इससे आपकी चीज़ों में मोह कम हो जाएगा। देखिए दान करने से मोह चला जाता है क्योंकि उस चीज़ों को जितना आप हाथ से जाने देंगे, आपसे जितना चीज चली जाएगी उतना मोह कम हो जाएगा। सो आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उसका त्याग करने का यह श्रेष्ठ समय है। सो 51 के साल से चालू कीजिए और आपकी लाइफ जितनी होगी, आप 80 साल जिए, 85 साल जिए, तो आपने उतनी उतनी चीज़ें छोड़नी है। देखिए इसमें पहले जो छोड़ दिया लिख के रखिए, क्योंकि आपको बाद में याद नहीं रहेगा तो वापस उसको ही ना छोड़ दे। सो जितने साल जीते, हर बर्थडे पे एक साल कम हुआ तो एक चीज़ें भी अपने से कम करनी है। बहुतों को कपड़े का बहुत शौक होता है, अब नए कपड़े मत लीजिए, जो चल रहे उसको चलाइए और उससे मोह कम कर दीजिए। इसलिए 51 साल से ये एक जरूर करिए। अगर आप अभी 55 पे पहुंच गए हो या 60 पे पहुंच गए और आपको लगता है अब क्या करें, हम तो 5-6 साल आगे चले गए, एक साथ 5-6 चीज़ें छोड़ सकते हैं या अब से चालू करें, जब से पता चला वहाँ से चालू करें। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 50 के बाद राजा भी अपनी सारी जो संपत्ति थी, जो अपना साम्राज्य उसने खुद खड़ा किया होता था, अपने राजकुमार को देके वो भी वन प्रस्थान करते थे, जंगलों में साधना करते थे। अब हमारे पास तो साधना करने का या जंगल में जाने का यह योग ही नहीं है, जो जा सकते बहुत बढ़िया है वान प्रस्थान करने का, या तो फिर हर साल एक चीज़ जरूर छोड़नी है।
तो ये एक संकल्प जरूर करें 51 के साल से, और अपना आगे का देखिए आप कितने सरल और निर्मल हो जाएंगे, चीज़ों का मोह घटने लगेगा और आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक में चलने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें, जानें और लोगों को भी इसका मार्गदर्शन दें। इसी हेतु के साथ यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ दिए हुए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए मुझे पूछ सकते हैं, और मेरी फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी मुझसे जुड़ सकते हैं जहाँ बहुत सारे वीडियो है। सो डू लाइक मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल DMS सोली। आशा रखता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होगी और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।